हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रमन जगन्नाथ और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना खुद का QR कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। बहुत इजी स्टेप है, तो आप मेरे स्टेप फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना होगा यहाँ पे आर कोड मंकी। देखिए यहाँ पे आर कोड मंकी लिखने के बाद आपको पहली जो यहाँ पे लिंक मिलेगी आपको वहाँ पे क्लिक करना है। ये एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहीं से आपका QR कोड जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस देके रखे हैं। आप अपना टेक्स्ट, ईमेल, फ़ोन नंबर, SMS, वी कार्ड, बाद में लोकेशन है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, वाईफाई, इवेंट और बिटकॉइन, ऐसे अलग अलग टाइप के आप अपने QR कोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली अभी मैं अपना ईमेल एड्रेस का QR कोड जनरेट करके दिखाऊंगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे ईमेल पे जाऊंगा। ईमेल पे जाने के बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं 100 सम्राट देवनाथ @gmail.com। ये लिखने के बाद देखिए 100 सम्राट देवनाथ @gmail.com। ये लिखने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट में आने के बाद हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमारा कोई भी सब्जेक्ट, मतलब हम किस रिलेटेड ये QR कोड बना रहे हैं। तो हम सिंपली लिख देंगे अपने ईमेल एड्रेस। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे मैसेज है, तो अगर आपको कुछ भी मैसेज देना हो तो आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा दिस इज माई ईमेल। ठीक है, जिस माई ईमेल, ये थोड़ा सा एड्रेस मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फिर ये एक पोर्शन खत्म हुआ यहाँ पे एंटर कंटेंट्स का। फिर उसके बाद हम जाएंगे सेट कलर्स में। आप यहाँ पे कोई भी कलर कोड यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं आपको जैसा कलर चाहिए आप वैसा कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद कलर सेट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा एड लॉग इमेज। तो अगर आपको कोई इमेज अपलोड करनी हो, आपके पीसी में कोई भी या फिर लैपटॉप में कोई भी इमेज हो, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। या फिर आपको अगर इन सबसे रिलेटेड कोई भी लोगो आपको सेट करना हो तो भी आप सेट कर सकते हो। तो मेरा तो ईमेल है, तो मैं यहाँ पे मेल का सेट कर दूंगा। रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये आपने एड लोगो लगा दिया। फिर यहाँ पे कस्टम डिज़ाइन, तो आपको जिस हिसाब से डिज़ाइन चाहिए आपके QR का, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन कोई भी एक चॉइस कर सकते हो। तो मैं सिंपली कोई भी एक डिज़ाइन यहाँ पे चॉइस कर लूँगा। चलो ट्राई करते हैं ये वाला कुछ नया, ये चॉइस कर लिया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद सब हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लियरिटी भी मेंशन करनी होगी कि हमको कितनी क्लियरिटी में चाहिए। तो हम सिंपली हाई क्वालिटी में कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रिएट QR कोड, जैसे हम क्लिक करेंगे लोड होगा। ये देखिए आपका यहाँ पे QR कोड, आपका खुद का एक ईमेल QR कोड जनरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ये देखिए, ये आप तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, .svg, .pdf, .eps star कोई भी। तो हम नॉर्मली यहाँ पे डाउनलोड png फाइल करेंगे, डेस्कटॉप में अभी हम सेव कर देंगे इसको, डाउनलोड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने ईमेल एड्रेस का एक काफी अच्छा सा QR कोड जनरेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप अपने किसी भी चीज का QR कोड जनरेट कर सकते हैं। आप चाहो तो आपके वेबसाइट के लिंक का या फिर आपके फोन नंबर का, अलग अलग चीजों का QR कोड जनरेट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।